रानी उपखंड कार्यालय में आज उपखंड अधिकारी सुमित्रा पारिक की अध्यक्षता में कोरोना वायरस के बचाव एवं जनता में जागृति लाने के लिए कर्मचारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यशाला में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह पुरोहित एवं सामुदायिक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर एमएल मेहता ने उपखंड तहसील पंचायत समिति सीबीओ कार्यालय के कर्मचारियों को कार्यालयों में पोछा मारने एवं फर्नीचर दरवाजे के हैंडल कुर्सी के आदि को सैनिटाइजर से साफ करने के तरीके बताए गए। डॉक्टर मेहता ने बताया कि ऑफिस के अंदर आने से पूर्व डेटोल के तरल साबुन से हाथ धोने की हिदायत दी। किसी को छींके आती हो तो उसे 2 मीटर दूर रहने एवं किसी से हाथ नहीं मिलाने की बात कही। उन्होंने बताया कि आम आदमी ब्लीचिंग पाउडर 15 केजी में 9 लीटर पानी मिलाकर घर में पोछा लगाने के लिए आम आदमी लोगों से अपील की। उपखंड अधिकारी सुमित्रा पारिक ने उपस्थित कर्मचारियों से सभी कार्यालयों से सैनिटाइजर यहां फिनॉल में पानी में डालकर पोछा लगाकर कार्यालय को स्वच्छ रखा जाए। पारिक ने बताया कि कार्यालय में कोई भी व्यक्ति आए उनके हाथ कार्यालय से बाहर धोने के लिए अधिकारियों के माध्यम से व्यवस्था करवाए। रानी नगर पालिका कार्यालय में सभी स्टाफ एवं वार्ड पंच एवं चेयरमैन साहब को एवं पधारे हुए सारे बाहर से अतिथिगण, उनका सारा जो है उनको जानकारी दी गई कोरोना वायरस के बारे में, सारी डिटेल में जानकारी, बचाव और अपने को क्या क्या एहतियात के तौर पर ध्यान करना है, कैसे बचाव करना है, कैसे जन समुदाय और अपने को खुद को उस बीमारी से बचना है और लोगों को जानकारी दे के बचाना है ताकि अपने जो है कोई भी मरीज इस बीमारी से ग्रसित न हो। कोरोना इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के लिए जो सर्वे अपने रेगुलर जो ब्लॉक के अंदर आने के अंदर हो रहा है, उसमें 5 तारीख से आज तक 4732 जो ओपीडी पेशेंट्स देखे थे, उसमें जो सर्दी जुकाम खांसी के जो मरीज थे 356 थे, वो सारे सभी साधारण कैटेगरी के थे, उनकी स्क्रीनिंग की है। इसमें विदेश यात्रा करने वाले मरीज जो अपने यहाँ कोई भी तरीके के मरीज नहीं थे और विदेश यात्रा से जो संपर्क में आने वाले वो भी मरीज कोई भी नहीं है और विदेश यात्रा से जो मरीज के संपर्क में लाइन लिस्टिंग उसकी हम डेली कर रहे हैं, उसकी अभी तक ऐसा कोई मरीज नहीं है। हाउस टू हाउस सर्वे में जो 92 टीमें अभी जो हमारे ब्लॉक के अंदर लगी हुई है, उन्होंने 1384 घरों का जो सर्वे किया था, उसमें सर्दी जुकाम बुखार के जो 34 मरीज पाए गए थे और बाकी सभी साधारण प्रकृति के थे। इसमें हाई रिस्क ग्रुप के कोई भी नहीं है अपने और उनको जो है वहाँ पे सभी को वापस स्क्रीनिंग रेगुलर रहेगी जब तक राज्य सरकार जो अंतिम आदेश नहीं देगी। मौसमी बीमारियों का सर्वे भी है साथ में और ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ये भी। आज नगर पालिका